Oh, yeah.
लोचन नहीं अगात सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय सियावर राम संत भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज शंकर भगवान की जय नमः पार्वती फतेहि हर हर। रामायण से अभी हम सुखी कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसका सरल से आपको बता दूं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने भगवान राम जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी जो संसार बनाते हैं वो भी भगवान की स्तुति करते हैं, प्रेयर करते हैं। देखो हम संसार में, हम भी बहुत सारा संसार बनाते हैं, हम भी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन हमको भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान राम जी की स्तुति करते हैं। रामायण में गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान को, जय राम सदा सुख धाम हरे। हे भगवान, आप सुख के धाम हैं, सुख का धाम है, सुख का घर है, सुख आपके पास ही रहता है और आपकी जय हो, जय राम, आपकी जय हो, या आपकी हमेशा विजय होती है। आप सदा सुख धाम, सुख के धाम है लेकिन सदा सुख, हम लोगों को सदा सुख नहीं होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख हो जाता है। भगवान सुख के, सदा सुख के धाम है, जय राम सदा सुख धाम है। रघुनायक सायक चाप धरे,
ब्रह्मा जी को कितना भरोसा है कि भगवान राम जी की स्तुति कर रहे हैं। कौन से राम जी कैसे हैं, जो सायक चाप धनुष बाण धारण किए हुए हैं। धनुष बाण धारण किए हुए माने कोई राम जी कमजोर नहीं है, ऐसे भी शक्तिशाली हैं, लेकिन धनुर्धारी राम जी की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। भव बारण दारण सिंह प्रभो और गुण सागर नागर नाथ विभो। ये जो संसार सागर है इसको आप धारण करते हैं, इसका निवारण कर लेते हैं। संसार में मनुष्यों की कितनी इच्छा होती है, और एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी हजार लाखों करोड़ों इच्छाएं मनुष्य करता रहता है, और फिर जितनी इच्छा करता है उतना ही फिर बंधन में फंसा हुआ चला जाता है। तो ये इसीलिए भव सागर है, ये भगवान की कृपा से संसार की इच्छा समाप्त हो जाए और भगवान के मिलने की इच्छा हो इस जीवन में। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। तो भव बारण दारण सिंह प्रभो, आप उसके लिए जैसे संसार को हटाने के लिए आप शेर सिंह के समान हैं, और गुण सागर नागर नाथ विभो, आप गुणों के सागर हैं और आप नागर नाथ हैं। आप संसार में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि। आपका शरीर कैसा है तो अनेकों कामदेव, यदि एक साथ करोड़ों कामदेव एक साथ भी मिल जाए तो इतने सुंदर नहीं होते जितने सुंदर आप हैं, और इसीलिए आपके गुणगान कौन करते हैं, सिद्ध मुनिन्द्र कवि। बड़े बड़े कवि लोग आपका गुणगान करते हैं, और बड़े बड़े मुनि। मुनिन्द्र कौन है, मुनि माने जो, देखो हम लोग जो कथा सुनते हैं तो उसको अच्छी बात जो सुनते हैं उसको मनन करना पड़ता है, और जो मनन करते हैं उनको मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि। ऋषि लोग जो होते हैं वो समाधि में हमारे भगवान का दर्शन करते हैं, मुनि लोग भगवान का मनन करते हैं। तो गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि, कवि लोग कविता लिखते हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, ये सब कवि हैं। भगवान का नाम, भगवान का गुण गाते हैं। ऐसे भगवान जस पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करिकोप कहा। और आपका जो यश, जैसे रावण आदि के साथ में आपका यश बढ़ जाता है, इतना शक्तिशाली रावण देवताओं को विवश में किया, लेकिन उस उनका चरित्र राम जी का, जैसे खगनाथ जथा करिकोप कहा, जटायु जी ने क्रोध करके जो रावण के साथ युद्ध किया तो इसमें भगवान का यश बढ़ गया, जटायु को मुक्ति दी। रंजन भंजन शोक भया, सारे संसार का रंजन करने वाले हैं हम लोग। जो अपने मन को मनोरंजन संसार की चीजों में लगाते हैं तो रंजन माने भगवान में, संसार के जन माने मनुष्य, मनुष्यों का रंजन प्रसन्नता कहाँ होती है, भगवान में होती है। और भंजन शोक भया, शोक भगवान ही दूर कर सकते हैं और भय भी भगवान दूर कर सकते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। गत क्रोध सदा रुबोधमय, आपको कोई क्रोध नहीं होता है, आप जो रावण आदि को मारने के लिए क्रोध लेते हैं तो वो क्रोध का आपका काल्पनिक क्रोध होता है, बाकी रावण तो रावण के शरीर से तेज निकल के भगवान में ही समाहित हो जाता है। और कैसे हैं आप, जहां क्रोध होता है हम लोगों को क्रोध होता है तो हम लोगों के क्रोध में क्या होता है, भगवान गीता में कहते हैं कि क्रोध क्यों होता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध होता है। हमारी कोई इच्छा होती है, हम कहीं जाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति जाना नहीं देता है तो हमें क्रोध होता है। हम किसी से कोई वस्तु चाहते हैं वो हमें वो वस्तु देता नहीं है तो हमें क्रोध होता है। तो जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, काम
काम के साथ क्रोध होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् नश्यति। देखो कैसी परंपरा है। हम संसार की वस्तुओं का चिंतन करते हैं, हमें ये वस्तु मिलनी चाहिए, हमारे पास ये वस्तु नहीं है। और जब हम चिंतन करते हैं बार बार किसी के पास कोई नई वस्तु देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये हमारे पास भी होनी चाहिए। और फिर हम बार बार उसको सोचते, ये होनी चाहिए, आज भी सोचते हैं, कल भी सोचते हैं, 10 दिन तक, 20 दिन तक, महीना, 2 महीना, 7 महीना सोचते रहते हैं। और वो अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो जाती है तो उसको होने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने पर भी वो वस्तु नहीं मिलती है तो फिर क्रोध होता है, ये हमें क्यों नहीं मिली, क्रोध होता है। और फिर उसमें जो झूठ मूठ को इसने तो मिल तो जाती है, लेकिन इसने विघ्न कर दिया, किसी के व्यक्ति पर हम लोग आरोप करने लग जाते हैं, इसलिए क्रोध होता है। और जब क्रोध होता है तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता। क्रोध में हम कई बार अपना, ऐसे तो जब हम क्रोध करते हैं तो अगर शीशे में देखते हैं तो हमारा चेहरा भी बिगड़ जाता है, क्रोध में हमारे गुस्से में हमारा आंखें कुछ और तरह हो जाती है, नाक मुंह वो सब बिगड़ जाता है। तो जब पहले क्रोध उसी समय यदि हमारे चेहरे को बिगाड़ देता है, कितने अच्छे लोग होते हैं, हंसते भी कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन क्रोध में कितनी बुरी उनकी आकृति हो जाती है ऐसा। तो और बोध नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, कुछ ज्ञान नहीं रहता क्रोध में, क्रोध में व्यक्ति अज्ञानी के जैसा व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, इसीलिए भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे भगवान को क्रोध आता है और रावण को मारने के लिए क्रोध आया, और वो क्रोध जैसे हम बच्चों के लिए क्रोध करते हैं, जैसे कोई समझदार लोग बच्चों को डांटते हैं, क्रोध कर उनको दिखाते हैं कि हम गुस्सा हो रहे हैं, तो बच्चों को लगता है माता जी पिताजी क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं, फिर वो गलती नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान क्रोध करते हैं, झूठ मूठ का क्रोध करते हैं, लेकिन उनको क्रोध होता नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो क्रोध होता है वो हमारे काम बिगाड़ने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में कहा कि यदि क्रोध आप क्रोध करते हो, क्रोध आपको करना ही है, तो आप क्रोध के ऊपर ही क्रोध करो। अपकारिचेत कोपस्ते कोपे कोपः कथन्यते, क्रोध के ऊपर क्रोध करना चाहिए, क्रोध को कहना चाहिए तुम क्यों आ गए हो, तुम हमारा काम बिगाड़ते हो। और हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि क्रोध चार चीजों को बिगाड़ता है। चार चीजें कौन सी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, चारों चीज मनुष्य शरीर मिला है इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए। चार चीज कौन सी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये क्रोध जो होता है धर्म को बिगाड़ देता है। क्रोधी व्यक्ति क्या भजन करेगा, धर्म क्या करेगा, क्रोधी व्यक्ति किसी को दान क्या करेगा, क्रोधी व्यक्ति धर्म माने कर्तव्य का पालन क्या करेगा। और अर्थ, और कोई व्यापार करता है और क्रोध करता रहेगा तो व्यापार उसके पास कोई आएगा नहीं, व्यापार कैसे करेगा अपना काम। क्रोधी व्यक्ति धर्म ही नहीं कमा सकता, और क्रोधी व्यक्ति की कामना भी पूर्ण नहीं होती, और क्रोधी व्यक्ति मोक्ष भी नहीं पाता। इस प्रकार से तो क्रोध को, लेकिन भगवान भगवान जो है वो क्रोध नहीं करते। क्यों क्यों क्रोध नहीं करते, गत क्रोध, क्रोध उनका चला गया है, गत माने चला, क्रोध तो है ही नहीं, क्यों क्रोध नहीं है। और गत क्रोध सदा, कभी क्रोध नहीं करते, सदा ऐसे रहते हैं बिना क्रोध के रहते हैं। क्यों रहते हैं, प्रभु बोधमय, वो प्रभु है, प्रभु माने मालिक हैं, मालिक क्रोध थोड़ी करते हैं। मालिक अगर क्रोध करेंगे, मालिक को 1000 लोग देखने होते हैं, जैसे कोई किसी फैक्ट्री का मालिक है तो वो क्रोध करेंगे तो कैसे काम चलाएंगे। सारे संसार वाले, इतने संसार के मालिक हैं, दुकान दुकान पर हम देखते हैं, दुकान का मालिक होता है और उसको ग्राहक कह देता है आपका सामान ठीक नहीं है, तो हाथ जोड़ के कहता है ठीक है भाई साहब आप दूसरी जगह से ले लो, हमारा ठीक नहीं है। तो इसको लगता नहीं है कि हमारा ठीक नहीं है, क्यों नहीं, उसको मालूम हम लड़ाई करेंगे तो ये फिर सबसे बुराई करेगा, हमारी दुकान पर कोई आएगा नहीं। इसलिए जो मालिक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो प्रभु तो नहीं करते। तो भगवान प्रभु हैं, और कैसे, बोध मयम, बोध है उनको,
भगवान को तो ज्ञान है ही, ज्ञानमय माने, ज्ञानमय माने बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञानमय का मतलब है ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है इसका मतलब। और अवतार उदार अपार गुण, अवतार भगवान राम जो है वो अवतार लेता है, अवतार का मतलब है नीचे आए हैं, अवतार को कहते हैं उतरने वाले हैं, वो ऊपर से उतर के आए हैं, किसके लिए आए हैं, उदार हैं, इसलिए हमारे लिए आए हैं, संसार वालों के लिए, प्राणियों के लिए, हमारे लिए भगवान नीचे उतर के आए। और अपार गुणम, जब यहाँ नीचे भी आते हैं तो उनके भीतर बहुत सारे गुण होते हैं, राम जी में कितने सारे गुण हैं, अपार, जिनका कोई पार माने जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने गुण हैं। और महिभार विभंजन, महि माने धरती का भार को नष्ट कर देते हैं, धरती पापियों के भार से धरती दुखी हो जाती है, तो हमारे महात्मा लोगों ने आपने सुना होगा लोग धर्म के प्रकाश को पाप के विनाश को, धर्म के प्रकाश को पाप के विनाश, राष्ट्र की सेना चली, राम की सेना चली, राम की सेना चली, राम की सेना चली, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली।
कहते क्या करते हैं, अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। ऐसे उदार हैं कि जब संसार वालों को दुखी देखते हैं तो उतर आते हैं नीचे से। जैसे कोई आप कोई छत पर अपना काम कर रहे हो, आप अपने मकान के ऊपर की छत पर खड़े हो और देख रहे हो बड़े आनंद से, और नीचे कोई दुखी हो गया हो, कोई परेशान हो गया हो, कोई गिर गया हो, किसी को चोट लग गई हो, तो आप दौड़ के सीढ़ियों से आते हैं और उसको फिर आप उठाते हैं, उसको दवाई देते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे आप लोग उदारता दिखाते हैं संसार के अच्छे सज्जन लोग, ऐसे भगवान जब साधु विप्रदेन सुर संत ब्राह्मणों को दुखी देखते हैं, देवताओं को दुखी देखते हैं, संतों को दुखी देखते हैं, गाय को दुखी देखते हैं, तो भगवान ऊपर से नीचे कूद पड़ते हैं। अवतार का मतलब उतार आते हैं, नीचे उतर आते हैं, इसलिए वो उदार हैं। जैसे हम लोग ऊपर होते हैं, अपनी कार में होते हैं, कार से नीचे उतर जाते हैं, उतर के देखते हैं कौन गिर गया, किसको चोट लग गई। उदार लोग संसार के जो होते हैं, सब लोग तो ऐसा नहीं करते, जो उदार होते हैं वो करते हैं, जो किसी को दुखी देख नहीं सकते। तो भगवान कैसे हैं, उदार हैं, अपार गुणम, इतने उदार हैं कि इनका कोई सीमा नहीं है, और इतने गुण हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं। अपार को दोनों साथ लगाओ, अपार उदार है और अपार गुण वाले हैं। और वही भार विभंजन ज्ञान, सारी धरती का भार उतारने के लिए विभंजन माने हर धरती के भार को उतारने के लिए, नष्ट करने के लिए। धरती धरती को धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय जैसा पहाड़ धरती के ऊपर रहता है, विंध्याचल जैसा पहाड़ है, और मलयागिरी जैसा पहाड़ है, और ऐसे कितने ही पहाड़ हैं, लेकिन सारे पहाड़ धरती उनसे उनसे बोझ नहीं होता है। धरती को बोझ होता है पाप से, जब हम धरती के ऊपर धरती माता के ऊपर रहकर और हम अपना मन पाप में लगाते हैं, तो उस धरती के भार को कैसे दूर करेंगे, पापियों का नाश, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना। तो भार विभंजन ज्ञान घनम, ज्ञान घना ज्ञान है उनको, घना माने ज्ञान ही ज्ञान है, जिसकी कोई सीमा, इतना ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञानमय है। और कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं आज, आज का मतलब होता है भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो फिर जन्म नहीं लेते तो राम कैसे बन जाते हैं। तो ये यही है, अजन्मा होकर भी वो जन्म वो माया से, ऐसा हम लोगों को लगता है, दशरथ जी को लगता है मेरा बेटा है, कौशल्या जी को लगता है मेरा बेटा है, लेकिन वो दशरथ जी कौशल्या जी के भी वो पिता के भी पिता है, वो सबके संसार के मालिक हैं, लेकिन वो छोटे बन जाते हैं। वो अवतार कभी अवतार लेने वाले नहीं हैं, लेकिन वो भी अवतार लेने वाले जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करके, वो अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए भगवान को जन्म नहीं कहा जाता है। हम लोगों को बर्थडे मनाते हैं, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है, प्रकट होते हैं। राम मंदिर में भी आप देखते हैं तो भगवान कहीं पैदा नहीं होते, ऊपर से आते हैं और ऐसे प्रकट हो जाते हैं अंधेरे में। आपने देखा राम 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 जन्म मनाते हैं हमारे धीरू भाई और राजेंद्र जी, विनोद जी, सब लोग, आप सब लोग मिलकर मनाते, तो भगवान को प्रकट दिखाते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब क्या होता है, अब देखो दोनों शब्द यहाँ कहे हैं, आज व्यापक, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कितनी बढ़िया स्तुति है, भगवान आज है और व्यापक है। व्यापक किसको कहते हैं, व्यापक को अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह रहते हैं उसी को व्यापक कहते हैं। तो सब जगह रहते हैं तो प्रकट होने में देर थोड़ी लगती है उनको, जहां भी रहते हैं, जैसे आग सब जगह रहती है, आपके हाथ में रहती, दो चीज को पत्थर को रख लो आग रहती है, प्रकट कर लो कोई प्रकट हो जाती है फट से, ऐसे ही भगवान सब जगह रहते हैं। इसलिए कहा आज व्यापक, आज और व्यापक का दोनों का एक शब्दों का संबंध है एक दूसरे के साथ। भगवान आज माने अजन्मा है लेकिन वो व्यापक है, और अवतार है, अवतार है तो व्यापक है, इसलिए और एक है भगवान, एक ही है उनको। कई लोग अब ये लोग मुसलमान लोग कहते हैं हमारे भगवान अलग हैं, सिख लोगों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, लेकिन ये
आप कहने के लिए अलग है। हमारे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक एक कोई पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए थे, तो उस पेड़ के नीचे चार लोग आए और चार लोगों ने उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए देखे। एक व्यक्ति कहता है मुझे फल खाने हैं पेड़ से तोड़कर, तो उसने कहा तो कौन से फल हैं, बोले इस पर आम के फल लगे। उसने आम का मन में सोचा, वो एकदम उसके जब तोड़ा उसने तो आम का फल उसके हाथ में आ गया। दूसरा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आया, उसने कहा तुम कहां से फल तोड़कर लाए, बोले उस पेड़ से। वो गया लेकिन उसको आम अच्छा लगता नहीं था, उसको एप्पल अच्छा लगता था। उसने कहा कि मुझे एप्पल, मैं देखा तो उसने उस पर के फल तोड़ा, उससे आपने एप्पल आ गया। अब एक तीसरा व्यक्ति था, उसने उसने उसको एप्पल भी नहीं अच्छा लगता, आम भी नहीं अच्छा लगता, अपनी अपनी चॉइस है, उसको ऑरेंज अच्छा लगता है, और उसने एप्पल उससे ऑरेंज ऐसे तोड़ा, उससे उसके हाथ में ऑरेंज आ गया। चौथे व्यक्ति को कुछ और अच्छा लगा, उसने वो तोड़ लिया। अब चारों आपस में वो कहता है ये आम का पेड़ है, दूसरा कहता नहीं ऑरेंज का है, तीसरा कहता नहीं एप्पल का है, चौथा और किसी का कहता जो उसके हाथ में है। तो चारों लड़ने लगे, नहीं नहीं ये आम, देखो चारों के पास प्रमाण है, मैंने इससे आम तोड़ा है, ये ऑरेंज का हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता नहीं मैंने इससे ऑरेंज लिया है, ये आम का हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोलते, तुमने कहीं और से ऑरेंज तोड़ा होगा। बोले मैंने इसी से तोड़ा है। चारों लड़ने लग गए आपस में, लड़ने की कोई बात तो है, बात तो थी नहीं, लेकिन क्यों ऐसा कैसे, हम तो तोड़, और चारों के पास प्रमाण, अपना अपना फल दिखा रहे। एक कोई महात्मा निकले वहां से, भाई तुम क्यों लड़ते हो, बोले ये कहता है कि एप्पल का पेड़, वो कहता नहीं ये कहता आम का है। बोले तुम क्या कहते हो, बोले मैं तो कहता हूँ ये आम का नहीं है, एप्पल का नहीं है, ऑरेंज का है। चौथा किसी और का कहता है, तो उसने कहा कि नहीं एप्पल का नहीं है। बोले एप्पल का कैसे नहीं, मेरे पास तो एप्पल है, मैंने इसी से तोड़ा है। अब उनके चारों के पास प्रमाण है, चारों लड़ रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि देखो तुम नहीं जानते हो, ये जो पेड़ है मैं जानता हूं, इस पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष, और इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की विशेषता यही है, इसके नीचे तुम जाकर जो सोचोगे वही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिसने आम सोच करके फल तोड़ा उसके हाथ में आम आ गया, और जिसने एप्पल सोच करके फल तोड़ा उसके हाथ में एप्पल आ गया, जिसने ऑरेंज सोच कर तोड़ा उसके हाथ में ऑरेंज आ गया। महात्मा ने कहा कि तुम और भी कुछ सोचोगे, चार ही नहीं, तुम नींबू सोचोगे तो नींबू मिल जाएगा, तुम अगर बनाना सोचोगे तो बनाना भी मिल जाएगा इस पेड़ से, तुम जो भी काम सोचोगे वो मिल जाएगा, इसका नाम कल्प वृक्ष है। तो इस विषय में अगर हम लोग, कई बार हमारी जब थोड़ी बुद्धि कमजोर होती है तो हम लोग ईसाइयों से लड़ने लग जाते हैं, कई बार हम लोग सरदारों से लड़ने लग जाते हैं, कई बार सरदार लोग दूसरों से लड़ने लग जाते हैं, कई लोग हम तो राम को आपस में हम लोग लड़ने लग जाते हैं, हम तो राम के बात कहते, तुम कृष्ण के सुनो, हमारे राम मंदिर में मत आओ। लेकिन हमारे राम मंदिर में ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं, क्योंकि हमारे राम मंदिर वाले सब लोग हमारे राम जी कैसे हैं, राम जी हैं कि वो एक हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं रामायण में, अज व्यापक एक अनादि सदा, भगवान एक हैं, भगवान के वो ईसाई और हैं, ईसाइयों के ईसा मसीह और हैं, गुरु नानकों के सिखों के गुरु नानक और, गुरु नानक जी और हैं, और हमारे किसी के लिए बौद्धों के बुद्ध हैं वो और हैं, भगवान ऐसा नहीं है। इसलिए कहा अवतार लेते हैं और किसी भी रूप में वो आ सकते हैं, सारे रूप उनके हैं, वो जो जो रूप बनाना चाहें बना लेते हैं। इसलिए कभी भी हम अगर ब्रह्मा जी की स्तुति रामायण में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि भगवान तो एक है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो स्वामी, अज व्यापक एक, भगवान एक ही हैं, और उनको कोई कुछ भी कह सकता है उनको। Thank you.
संस्कृत में अल्लाह शब्द मैंने पढ़ा, अल्लाह शब्द है AALLA, अल्लाह ऐसा नाम वहां पर है। तो अल्लाह का मतलब है माता, मां जैसे कहते हैं, अल्लाह का अर्थ है माता। तो अल्लाह शब्द माता का वाचक, अल्लाह शब्द संस्कृत में मैंने पढ़ा, शास्त्र में कई जगह अल्लाह अल्लाह अक्का अक्का भी शब्द है संस्कृत में।
इसलिए ये जो शब्द हैं वो भगवान के वाचक हैं। तो अज व्यापक एक अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? अनादि का मतलब है कि भगवान कौन से दिन से भगवान हैं संसार में। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन से हम संसार में आए थे, लेकिन भगवान कौन से दिन से रहे नहीं कह सकते। भगवान अनादि है, कोई बिगनिंग नहीं है, कौन से दिन उनका जन्मदिन नहीं है। राम जन्म मना लेते हैं हम लोग, रामनवमी मना लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो तो हर एक कल्प में भगवान आते हैं, और उनके भगवान के कोई राम ही उनका नाम नहीं है, उनके और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन फिर भी ये हम फिर आप ऐसा संदेह कर सकते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर हम तो आप राम राम क्यों करते हैं, फिर राम मंदिर क्यों बना है? तो राम मंदिर आपके हमारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, क्योंकि तो हम यदि हम भगवान के बहुत सारे नाम अगर जपते रहेंगे तो फिर बहुत सारे रूप देखते रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होंगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेंट्रेशन राम जी में हो जाएगा और जब आप उसको रियलाइज कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पहले किया जाता है फिर उसका रियलाइजेशन होता है, और जब वो रियलाइज हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि हे राम जी की तो स्तुति कर रहे हैं कि हे राम जी, जो हम आपको मनुष्य समझ लेते हैं ऐसा नहीं है, आप तो अनादि हैं, आपका कोई प्रारंभ नहीं हुआ है, और आपका कोई अनादि है तो अनंत है, आपका कोई अंत भी नहीं है। अज व्यापक एक अनादि सदा, सदा का मतलब है कोई सनातन। इस मंदिर का नाम है सनातन धर्म, राम मंदिर का नाम सनातन धर्म सभा है। तो सनातन का मतलब है जो हमेशा रहते हैं, भगवान कहते हैं हमेशा रहते, सदा रहते हैं, करुणा कर और करुणा करते हैं, और क्या है राम, उनका नाम है राम। राम का मतलब है जो रमनते योगिनो यस्मिन इति रामः। राम शब्द का अर्थ होता है खेलने की चीज, देखो रमु क्रीडायाम, संस्कृत संस्कृत में राम शब्द का अर्थ होता है जिसमें हम मनोरंजन कर सकते हैं, जिसमें हम प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि राम से कैसे खेलेंगे, तो आप लोग जो राम मंदिर में आते हैं ये समझदार लोगों का गेम है राम कथा, साधारण लोगों का गेम नहीं है। साधारण लोग भगवान के साथ थोड़ी खेल सकते हैं, साधु लोग भगवान के साथ खेलने खेल के जो कहते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें आनंद होता है। महात्मा लोगों को राम के भजन करने में आनंद होता है, तो खेल का मतलब है जिसमें आनंद होता है, जिसमें प्रेम होता है, आनंद होता है, जिसमें उसको सुख होता है। जैसे खेल में गेम में लोग गेम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, उसमें लोग थक भी जाते हैं, या महात्मा लोग समाधि में भजन में वो थकते हैं, 24 घंटे भजन करते रहते हैं, तो हमेशा इस खेल में आनंद बढ़ता ही बढ़ता रहता है, बढ़ता ही बढ़ता रहता है। जितना भजन करेंगे, जितना जप करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना रामायण पढ़ेंगे, उतना जितना भगवान को रियलाइज करेंगे उतना वो खेल और बढ़ता जाएगा। सिर्फ राम का मतलब है जिसमें मन लगता है। दुनिया की सब चीजों में तो मन लगता है और हटता है, लेकिन भगवान में मन ऐसा लगता है एक बार लग गया तो लग गया, फिर हटता नहीं है। तो एक बात आपको हम कह दें, देखो एक ये आने वाला जो संडे है, इस संडे को मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे माता जी के लिए। सब आपको सब लोगों को बधाई, सब लोगों को जन्म माने दिया है, तो हम माता जी को प्रणाम करते हैं। एक महात्मा कहते हैं थोड़ा सा माता जी के लिए जन्म बोलेंगे, अपनी अपनी माँ को प्रणाम करें, मदर्स डे है, और भगवान तो तुम्हें माता और पिता हमें एडवांस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शुक्रवार अगले शुक्रवार को, तो फिर संडे को 10 मई को मदर्स डे।